हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। काफ़ी टाइम बाद मैं व्लॉग पा रहा हूँ, मालूम है मेरे को। ट्रैवलर व्लॉग रहेगा। मैं कल को जा रहा हूँ चोपटा, उत्तराखंड में है। वहाँ से मैं जाऊँगा देवप्रयाग, तुंगनाथ महादेव टेंपल और चंद्रशिला। जिन लोगों ने बताया, तुंगनाथ पाँच केदार में से एक है, दुनिया का सबसे ऊँचाई वाला महादेव का मंदिर है। और आई गेस आई एम लकी टू गो देयर टुमारो। और चंद्रशिला वो जगह है जहाँ पे श्री राम जी ने अपने ब्राह्मण पाप से मुक्ति पाने के लिए पूजा करी थी। तो हाँ, कल को मैं वहाँ जा रहा हूँ। ये हमारे गांव का अड्डा है गाइस, जहाँ से मैं अब बस पकड़ूँगा और फिर मैं जाऊँगा यहाँ से आगे, यहाँ से करनाल जाऊँगा। करनाल से फिर मैं एक और बस लूँगा और वहाँ से फिर मैं जाऊँगा दिल्ली और फिर आगे देखेंगे। मैं खड़ा हूँ गाँव के अड्डे पर, लेकिन बस नहीं आ रही यार। तो अभी पापा आ रहे हैं, वो मेरे को करनाल तक लेके जाएंगे, फिर वहाँ से मैं दूसरी बस में बैठूंगा और फिर जाऊंगा। अब मैं बस में आके बैठ गया हूँ। ये बस हरियाणा रोडवेज़ की है और ये अब करनाल से जाएगी नई दिल्ली और ये मेरे को उतार देगी ISBT कश्मीरी गेट पर। वहाँ से फिर मैं जाऊंगा आगे की तरफ। ये जोड़बाग है, यहाँ से मेरे को ट्रैवलर बस मिलेगी जो चोपटा लेके जा रही। भाई दिल्ली से निकले ही थे, अभी बस मसूरी पहुंचने वाले थे और बस ख़राब हो गई और अभी उन्होंने बुलाया है मैकेनिक को, तो जब वो आएगा फिर वो बस ठीक करेगा, फिर हम यहाँ से आगे निकलेंगे। अब भाई हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे देवप्रयाग में और ये थोड़ी सी रोड पे जो अच्छी सी बना रखी है इन्होंने वो देखो आप। और ये यहाँ पर देवप्रयाग, जहाँ पर ये जो आप नीले रंग का जल देख रहे हो, ये है अलकनंदा और जो दूसरी साइड है वो भागीरथी, और दोनों का मिलन होके ये बनती है गंगा माँ। अब हम आगे चल रहे हैं। हाई ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, अभी भी हम पहुँचे नहीं हैं, रुक रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हो हम कितनी दूर हैं। और इंडिया की खूबसूरती भाई यही है, यहाँ पर देखो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका साथ में बनाया हुआ है। व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है पर ट्रैफिक है। अभी हम रुके हैं एक रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए, क्योंकि काफ़ी देर से चल ही रहे थे, भूख लगने लगी, तो यहाँ पे हमारी बस रुकी। और अब हम कैंप साइट पे पहुँच चुके हैं। ये हमारे कैंप बनाए गए हैं, लाइट यहाँ पे है नहीं, तो सोलर पैनल के थ्रू सब कुछ हो रहा है। भाई सड़क बन रही है, वह तो 3.5 किलोमीटर का रास्ता था भाई वहाँ तक जाने का, तुंगनाथ मंदिर तक, पर अब क्योंकि सड़क बन रही है तो हमें 3 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ेगा और 3.5 किलोमीटर आ गया, यानी कि 6.5 किलोमीटर का ट्रैक हो गया। चल रहे हैं भाई, पसीने आने चालू हो गए हैं, बहुत पसीने आ रहे हैं, पर व्यू अच्छा है। अगर पति खाऊँ बीच में रुक गया भाई, मैं 2 किलोमीटर रहता है यहाँ से बस, बाकी हो ही गया। ये व्यू है, चढ़ाई सीधी है वैसे। स्टीप चढ़ाई का भाई ये है, बार बार ब्रेक लेना पड़ रहा है, क्योंकि क्या है सीधा चढ़ने में थकान ज्यादा हो रही है। पर वही है, भगवान का नाम लो, चढ़ते जाओ। चढ़ते जाओ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय हर हर महादेव। ग्रुप वाले बंदे बहुत स्लो हैं भाई, बहुत पीछे हैं वो, मैं सबसे आगे हूँ इस टाइम पे। व्यू अच्छा है भाई, बहुत अच्छा व्यू है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव। आधार
रास्ता हो गया, आधा रह गया, पास आ गया काफ़ी, 1.5 किलोमीटर रह गया सिर्फ, हो जाएगा, कर लेंगे। भोले बाबा हैं, आसानी से दर्शन तो होंगे नहीं। चढ़ाई पर बहुत सीधी चढ़ाई है भाई, बहुत बहुत सीधी चढ़ाई है। अगर सीधी चढ़ाई ना हो ना, कम ताकत लगे, पर जो भी है करना तो है ही और करेंगे। हर हर महादेव। पहुंच गए भाई, हर हर महादेव। मेरे भोले बाबा के द्वार हम आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये तुंगनाथ मंदिर जो दुनिया का सबसे ऊंचाई पे शिव मंदिर है। थोड़ी बहुत मैंने वीडियो बना ली यहाँ पे, अब आगे चलते हैं। ये फ़ोटो भी खींच ली मैंने कि हाँ कहीं पे पोस्ट करनी हो। और जब मैं चढ़ाई कर रहा था आगे चंद्रशिला की, तो यहाँ पे एक जानवर मरा हुआ था और उसके ऊपर आ रखे हैं वल्चर्स, जिनको हम कहते हैं गिद्ध। काफ़ी बड़े हैं भाई, आकार में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, आप देख सकते हो। छोटे बच्चे को तो भाई ये वैसे उठा के ले जाएं, इतने बड़े हैं ये। यहाँ से आप देख सकते हो भाई, चंद्रशिला की चोटी बहुत ऊंचाई पर है, 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है। थोड़ा थोड़ा करके आराम आराम से चल रहे हैं, बीच में रुक रहे हैं क्योंकि यहाँ की भी सीधी चढ़ाई है और ये 1.5 किलोमीटर बहुत मुश्किल लग रहा है सीधा चढ़ता हुआ। और यहाँ पे हम ऊपर आ गए भाई, और ऊपर आते ही ना, अब आप देखोगे तो ऊपर आते ही बहुत तेज़ हवा चलने लगी और ओले गिरने लगे भाई, मतलब बहुत स्पीड में ओले गिरने लगे, ठंड बढ़ गई। कुछ लोग तो नीचे से ही वापस चले गए थे क्योंकि वापस जाते टाइम ओले बारिश की वजह से फिसलन होगी। इस वजह से मैंने अपनी एक और फ़ोटो खींच ली, क्योंकि हाँ चंद्रशिला का फ़ोटो खींचना बनता है भाई। ये हमारे कैंप के बंदे हैं जो आए थे यहाँ पे। हम अब आ गए धारी देवी मंदिर। धारी देवी मंदिर उत्तराखंड के जो लोग हैं वो बहुत जाते हैं यहाँ पे, वो बहुत मानते हैं धारी देवी मंदिर को। जो लोकल्स हैं यहाँ पे दर्शन करना जरूर चाहिए। ये जब मैं बीच में एक कैफ़े पे रुका था, वहाँ बहुत अच्छा उन्होंने कैफ़े बना रखा था, खाना बहुत अच्छा था, और जो उनके अंदर ग्राफिटी और जो भी उन्होंने आर्ट लगा रखी थी काफ़ी अच्छी थी, बहुत अच्छा लग रहा, तो मैंने उसकी वीडियो बना ली। अब भाई मैं अपने घर वापस आ गया हूँ, बहुत अच्छा रहा, भोले बाबा के अच्छे से दर्शन हुए, भूल चूक माफ़ भाई। और वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, कुछ आपके क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना नीचे। आगे कुछ नहीं, बस एक छोटा सा मैसेज मेरे दोस्तों के लिए बस। हेलो भाई, कैसे हो सारे? विकास, गौरव, सागर, मनीष, साहिल मैं ठीक हूँ यार, और तुम भी ठीक होगे मालूम है मेरे को। मैं अभी ये जो ट्रिप पे जाके आया, मज़ा आया मेरे को, अच्छे से घूमा फिरा, सब कुछ ठीक रहा। पर हाँ, आई मिस यू गाइस। पता क्या कि लास्ट टाइम जब हम गए थे मज़ा आया था, बहुत मज़ा आया था, और अब की बार भी मेरे को मज़ा आया। पर वही चीज़ की अगर तुम लोग साथ होते तो और ज़्यादा मज़ा आता। मैं बस यही कहूँगा कि हाँ मिलेंगे यार, जल्दी मिलेंगे और निकालते हैं फिर दोबारा कोई टूर कहीं का साथ में। बस यही कि ध्यान रखो, मैं ठीक हूँ, मिस यू गाइस, लव यू।